ख्याल मत लो, कितनी देर और लगाएगा, हम पहले तो ही 3 घंटा लेट है हम। अरे यार लूना, क्यों टेंशन ले रहा है तू? दारू की तो कमी नहीं पड़ रही ना तेरे पास? अगर पड़ रही है तो मुझे बता, 5-6 पेटी और मंगवा दूंगा। एंजॉय कर यार एंजॉय, शादी बार बार होती है क्या? अरे यार लड़की वाले हमारी वजह से परेशान हो रहे होंगे। अरे यार तू लड़के वालों की तरफ से है या लड़की वालों की तरफ से? कब से रट लगा रखी है, देर हो रही है। और तुझे पता है जल्दी जाने वालों की कद्र भी नहीं होती, जो लेट जाता है उसकी उतनी अच्छी इज्जत होती है। और वैसे भी आज के दिन मैं दुल्हे राजा हूँ, दुल्हे राजा। तुझे पता है क्या, राजा जो होते हैं वो शानो शौकत से लेट ही जाते हैं। अरे यार तू बात समझे, आजकल जमाना बदल गया है, लड़की वाले बुलातियों को और दूल्हे को पीटते बहुत है। लूना तू तो सही में पागल हो गया है, मुझे पीट के बाहर निकाल देंगे मुझे? मेरे पास 100 बीघा जमीन और कितनी जायदाद है, मुझे जरूरत नहीं है शादी की, लड़की वालों को जरूरत है। तुझे पता है मेरे सामने लड़कियों की लाइन लगती है, चाहू ना एक मिनट में 36 दुल्हने मेरे सामने खड़ी कर दूं, इतनी जायदाद है मेरे पास, मुझे पीट के निकाल देंगे बाहर। कितने पैसे हैं मेरे पास? बेटा मत रू, इतनी देर क्यों लगा रहा है, आज तू मेरी बेइज्जती करवाओगा। अरे 4 फोन आ लिए लड़की वाले के 4। पिताजी क्यों चिंता करते हो आप? आप बोल रहे हो हम लड़के वाले हैं, लड़के वाले चलेंगे 2-3 घंटे बाद आराम से। बेटा हाथ जोड़ के कहूँ, जल्दी तैयार हो जा। ठीक है पिताजी, आप मेहमानों को संभालो, मुझे तो 2-3 घंटे लगेंगे। क्यों, पूरे 1 साल बाद आना मेरे घर मेरे लड़के के मामा बनकर। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें पता है 2 घंटे बाद तुम मेरी होने वाली धर्मपत्नी हो, धर्मपत्नी, समझी? हाँ हाँ सच कहा, 2 घंटे बाद, पर अभी तो नहीं ना, और मैं अभी से तुम्हें बनाती हूँ अपना भैया, और आज से हो तुम मेरे मटरू भैया, समझे? तुम कब से बकवास किए जा रही हो, तुम्हें पता नहीं आज हमारी शादी है? शादी? कैसी शादी, किसकी शादी? तुम लड़की वालों को खिलौना समझते हो क्या? बहुत पैसे है ना तुम्हारे पास, तुम क्या समझते हो पैसे के दम पे तुम लड़कियों की लाइन लगा सकते हो? अरे तुम्हें क्या पता एक लड़की के बाप के दिल पे क्या बीतती है, जब लड़की की बारात उसके घर के दरवाजे पर टाइम से ना पहुंचे, लड़की के घर आए हुए सभी मेहमान रिश्तेदार ना जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। अरे अगर तुम्हारे घर भी एक लड़की होती ना तुम्हारी बहन, तब तुम्हें पता चलता कि लड़की के बाप की इज्जत क्या होती है, उसकी कितनी बेइज्जती हो जाती है। और अब जमाना बदल चुका है समझा, और रही बात बेइज्जती की, वो तो अब तुम्हारी होगी तुम्हारी, जब तुम्हारे गांव वालों को ये पता चलेगा कि होने वाली दुल्हन खुद दूल्हे के घर आकर शादी से इनकार करके गई है, समझा? और मिस्टर अब जमाना लड़कियों का है, लड़कियों का, समझे? अब तू मतलू भाई पूला तब मैं लगा त्याल होने में, ताई 1 दिन लगा, ताई 2 दिन लगा, ताई 5 दिन लगा, ताई 10 दिन, ताई महीना लगा, मैं तालाब। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम जो भी वीडियोस बनाते हैं अगर उसमें किसी भी कारणवश हमारी वजह से आपका दिल दुखता है या हमसे किसी भी तरह की गलती होती है तो प्लीज़ हमें अपना बच्चा समझ के माफ़ कीजिएगा।